सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिल रही, 3% के ऊपर का फॉल स्टॉक में देखने के लिए मिला, लगातार गिरावट में है। हम देख सकते हैं 23 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद लगातार गिरावट दिखा रहा है। जो इसका मेजर सपोर्ट था 20 का लेवल, इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अब और गिरावट के संभावना और गिरावट के चांस सालासर टेक्नोलॉजीज़ में बने हुए हैं। तो अब अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है और गिरावट यहाँ से देखने के लिए मिलती है, तो स्टॉक के लिए सपोर्ट किस लेवल पर बन सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट आई, तो सपोर्ट कहाँ लिया, 17 रुपये 50 पैसे के लेवल पर। अगर इस सपोर्ट को आपने 18 रुपये 40 पैसे 18 रुपये 50 पैसे के लेवल को ब्रेक डाउन कर गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 17 रुपये 50 पैसे का लेवल, और इस गिरावट के साथ फिर 16 रुपये तक का भी फॉल हमको स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अब हाईली चांसेस बनेंगे 17 रुपये 50 पैसे के आसपास से खेल के पलटने के। ऐसा क्यों? तो देखिए, इससे पहले भी 17 रुपये 50 पैसे के पास से ही अच्छी खासी बाइंग बड़ा जम देखने के लिए मिला था। अगेन जब गिरावट आई थी तो दोबारा उसी लेवल के आसपास से स्टॉक में तेज़ी देखने के लिए मिली थी। तो गिरावट आई है तो इस लेवल तक का फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक में रिकवरी आती है, जंप आता है, स्टॉक बाउंस बैक कर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में 20 रुपये का जो लेवल है, जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था, 20 रुपये का लेवल इमीडिएट टारगेट बनेगा। और जब तक 20 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक बड़ा मोमेंटम इसमें नज़र आना मुश्किल है। तो इसीलिए हमको 20 रुपये के लेवल पर नज़र रख के चलना है। अगर बाउंस बैक करके इसको ब्रेकआउट करता है, और सिर्फ ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, ब्रेकआउट के बाद 2-3 दिन सस्टेन भी होना पड़ेगा, तो फिर वैसी कंडीशन में बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, फिर इस हाई का भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।